गलवा पुलिस ने एक फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया है जो लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स पुलिस की वर्दी में है, कंधे पर 3 स्टार है, नाम है रामदास लक्ष्मण जगता, उम्र 41 साल। ये जनाब पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को पुलिस बताकर लोगों को डरा धमका कर उनसे ठगी किया करते थे, मगर इन जनाब का सामना असली पुलिस वालों से हो गया और ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। कलवा पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि एक पुलिस की यूनिफॉर्म में एक शख्स उनके ऑटो रिक्शा को रुकवाता है, उसके बाद मैसेज डिलीट करने के नाम पर उनका मोबाइल फोन ले लेता है और उनके मोबाइल से एक्सोडेक्स ऐप के जरिए से 7,669 US बिटकॉइन, जिसे कहा जाता है, इस ऐप के जरिए फर्जी पुलिस वाले ने भारतीय रुपए के अनुसार 5,72,964 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। मामला दर्ज होने के बाद कलवा पुलिस ने इस फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP गणेश गावड़े ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुना दें। किस तरह ये गिरफ्तारी करने आई है और ये जो आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है इसका बैकग्राउंड क्या है? पुलिस स्टेशन कलवा, यहाँ पर जुरिडिक्शन में श्री कृष्ण मंदिर के पास विटावा, यहाँ पर दिनांक 11 नवंबर 2022 को पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर ये 3 स्टार थे, API RL जगताप, ये नेम प्लेट लगाकर एक इस गुनाह में जो आरोपी है, ये आरोपी ने रिक्शा में बैठे कंप्लेनेंट को नीचे उतारा और उसके मोबाइल से मैसेज डिलीट करना है ये बताकर वो आरोपी और उसके एक और एक आरोपी ने, ये दोनों ने मिलाकर उसके मोबाइल में एक्जोडस, ये बिटकॉइन ऐप है, ये ऐप में से 7,669 US डॉलर, जो इंडियन करेंसी में 5,72,964 रुपीज, ये अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया। ये कंप्लेनेंट श्री ध्रुव भारती ने पुलिस स्टेशन में दी, उसके कंप्लेन के अनुसार CR नंबर 590/2022 अंडर सेक्शन 420, 170, 171 और 34 IPC के अनुसार गुनाह दाखिल किया गया। ये क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन कलवा की टीम ने किया। ये इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आरोपी था, वो आरोपी रामदास लक्ष्मण जगताप, एज 41 ईयर्स, इसको अरेस्ट किया है। उसके पास से पुलिस यूनिफॉर्म जब्त किया गया, वो ऑफेंस करते समय उसने इस्तेमाल किया व्हीकल, वो भी सीज किया है। इसके साथ जो कैश उन्होंने ट्रांसफ़र करा के, बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करा के ली थी, उसमें से 1,40,000 रुपये कैश, वो अमाउंट भी ये इन्वेस्टिगेशन में जब्त किया है। मेन आरोपी जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर आरोपी था, वो RL जगताप, उसको अरेस्ट किया गया है, वो अभी जुडिशियल कस्टडी में उसको भेजा गया है। सर, ये आरोपी इस तरह क्यों किया करता था, क्या इसकी वजह थी, कुछ बताया उसमें? इसमें पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को फंसा कर पैसे कमाना, ये मोटिव ये क्राइम करते समय आरोपी का है। सर, इसके पहले भी इसके ऊपर कोई गुनाह रजिस्टर है क्या? अभी उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है, वो जांच करके आगे की कार्रवाई उसके ऊपर हम करेंगे। लोगों को क्या आह्वान करना चाहूँगा? लोगों को दो आह्वान मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। नंबर 1, पुलिस यूनिफॉर्म में कोई अधिकारी या कोई भी कर्मचारी है, वो गलत आदेश, इलीगल आदेश नहीं देगा। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट आता है तो इमीडिएटली आप जो पुलिस स्टेशन है, करीब का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो 112 नंबर है पुलिस हेल्पलाइन, फ्री हेल्पलाइन है, वो पुलिस हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर पुलिस की मदद वो मांग सकते हैं। दूसरा, जो पुलिस टेलर्स है, जो यूनिफॉर्म बनाते हैं, नेम प्लेट और आर्टिकल्स देते हैं, उनसे भी ये सूचना है, किसी को भी यूनिफॉर्म देते समय उन्होंने एक बार वेरीफाई करना चाहिए, वो यूनिफॉर्म जिसको सिला रहे, वेदर ही पुलिस ऑफिसर और नॉट, वो वेरीफाई होने के बाद ही यूनिफॉर्म देना चाहिए। इवन नेम प्लेट भी जो बना कर देते हैं पुलिस की, उन्होंने भी ये चेक करना चाहिए और उसके बाद ही वो नेम प्लेट बनानी चाहिए। सर,